फिलहाल दुनिया भर के बाजारों से संकेत स्टेबल ही हैं, ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा कुछ नेगेटिव संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दायरे में यहाँ पर दुनिया भर के बाजार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़े यहाँ पर कमजोरी के संकेत दे रहा है। अब FIIs और DIIs के अपडेट भी ले लेते हैं एक बार। ओरेकल कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली हुई 2,474 करोड़ की, वहीं DIIs की तरफ से 5,665 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर्स की बात करें तो 1,672 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 11,635 करोड़ की बिकवाली FIIs करके गए हैं। अब इस डेटा को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में डिम्पी कालरा जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए, और हमारे साथ हम एक्सपर्ट को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि कल के सेशन में तो हमने देखा था कि 50,000 के लेवल्स भी टेस्ट हुए कल मार्केट में, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आया, लाल निशान में भी फिसले, तो दिन भर एक दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन उतार चढ़ाव कल के दिन देखिए बाजार में बना रहा। 25,000 के लेवल को थोड़ा बहुत टेस्ट करने की कोशिश की, एग्जैक्टली 24,999 इसके पास बाजार आया, लेकिन वो लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जैसा कि कल हम बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए थोड़ा करेक्शन आया और सपाट क्लोजिंग यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन आज बाजार की शुरुआत कैसे हो सकती है और रणनीति क्या अपनाएं, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं रैली गियर ब्रोकिंग से। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज क्या करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुरुआत अगर ग्लोबल बाजारों से देखें तो थोड़े एक नेगेटिव शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी से अगर देखें तो। इसको देखते हुए आज क्या भारतीय बाजारों में भी आप ऐसे ही रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज था फ्राइडे का, जिसमें हमने देखा कि निफ्टी ने तो एक नया हाई बना दिया। कल आपने फर्स्ट हाफ में देखा था वो कि पॉजिटिविटी को कंटिन्यू होते थे, ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल्स को हम टेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे पूजा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ऑन एवरी राइज, बिकॉज बैंकिंग अभी बैक पकते हैं। कल सेशन में भी हमने देखा कि बैंकिंग में हायर लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग आई। तो जब तक ये सिनेरियो कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि ग्रेजुअल अपमूव ही होगा, बट टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही आपको बेसिकली मेंटेन करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से एक हायर बेस बन गया है 24,350 के पास व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। उससे पहले भी काफी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, बट एक मेजर बेस जो बेसिकली है, जब तक आप 24,350 के ऊपर हैं तब तक आपको बाय ऑन डिप रुकना चाहिए। 25,100 पहला टारगेट होगा, उसके बाद करीब 25,400 तक का। देखिए बैंकिंग एट द सेम टाइम वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज है। कल जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, मुझे लगता है कि थोड़ा बैंकिंग में फॉर अ टाइम बीइंग अवॉइड करना चाहिए कोई फ्रेश पोजिशन, और थोड़ा सा जब तक कंसोलिडेशन कुछ हो जाए, थोड़ा सा एक बेस बन जाए, उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग को। इन द मीन वाइल स्टॉक स्पेसिफिक रही है, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि पहला नाम है एक महीने की कंसोलिडेशन बेसिकली यहाँ पे एंड हुई है, स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है कल के सेशन में। 355 तक के लेवल्स एंटीसिपेटेड है, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 332 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम PFC का, एक नॉर्मल कंसोलिडेशन एक मार्जिनल रिप्लेसमेंट के बाद, यहाँ पे भी आप एक अच्छा ट्रैक्शन दोबारा से आते हुए देख रहे हैं। 574 तक के लेवल्स एंटीसिपेटेड हैं, यहाँ पे 540 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू अजीत जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन बैंक निफ्टी को यहाँ पर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का फेस है ये थोड़ा और जारी रह सकता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन निफ्टी बाय ऑन डिप्स का मार्केट इस वक्त नजर आ रहा है। 24,350 एक स्ट्रांग बेस यहाँ पर निफ्टी के लिए बन रहा है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और अजीत जी सुझा रहे हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 355 के टारगेट्स के लिए, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC यहाँ पर भी आप 574 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज की और इक्विटी मार्केट में मौके कहाँ दिख रहे हैं, क्विकली आपके सामने ये रखेंगे। स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से गुजरात गैस में तेजी करने की सलाह है, 700 का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस है 658 का, और इंजीनियर्स इंडिया यानी कि EIL 280 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस है 258 का। JM फाइनेंस ने एशियन पेंट्स में तेजी करने की सलाह दी है,
टारगेट ये देख रहे हैं 2997 और उसके बाद 3000 के ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में, तो यहाँ पर आप तेजी करके चलिए। चंबल फर्टिलाइजर 518-527 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 493 का, आप बाय करके चल सकते हैं। लेड रिसर्च ने बीपीसीएल में तेजी करने की सलाह दी है और ये यहाँ पर 352 का देख रहे हैं, 330 का होगा स्टॉप लॉस। और आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी तेजी करने की सलाह है 364 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस है 329 का। अगले कॉल्स आ रहे हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट की तरफ से, इंजीनियर्स इंडिया में तेजी करने की सलाह दी है 275 के टारगेट के लिए और एलएनटी 3799 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर राय ले सकते, तेजी करके चल सकते हैं। नितिलेश जी यानी कि तनीषा एकेडमी की तरफ से जो दो कॉल्स आई हैं उस दोनों में ही बिकवाली की सलाह है, एबीबी में 7880 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलिए और इंडिया सीमेंट अगर 372 के नीचे मिले तब आप बेच के चलिए, 360 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 376 का। तो काफ़ी मिले जुले व्यूज़ हैं, एबीबी इंडिया सीमेंट बिकवाली करके चलिए। बाकी कुछ कॉल्स रिपीट भी हुई हैं जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नज़र रखिए कच्चे तेल में जो नरमी आई है उसके चलते, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहे। चलिए बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ वंदना भारती मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। वंदना थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आज से दो दिवसीय फेड की बैठक भी शुरू होने वाली है, आप क्या कुछ उम्मीद लगा के चल रहे हैं? उसके पहले हम देख रहे हैं कि सोने चांदी थोड़ा दायरे में कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड कैसे लें या फिर पॉलिसी आने के बाद आप कुछ डिसीजन लेंगी? जी गुड मॉर्निंग पूजा, यहाँ पे मार्केट थोड़ी नर्वस है और एक रेंज में स्टक है और देखिए तो फेड की मीटिंग से पहले डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी तो नहीं कह सकते तेजी आ रही है लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे क्लैरिटी गोल्ड से ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये जो काउंटर है चाहे वो बेस मेटल हो या फिर एनर्जी काउंटर हो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक दबाव जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर को सेल करके चलना चाहिए 792.5 के करीब, 782 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 796 का लगाना होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बेयरिश प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है फिर से, तो 81,250 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, 80,600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 81,500 का। साथ में गोल्ड कल एक रिवर्सल लेके थोड़ा सा यहाँ पे बंद हुआ था, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो इसमें अवॉइड करके चलना चाहिए। और एनर्जी काउंटर में मुझे लग रहा है कि एनर्जी काउंटर की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में एक हम सेलिंग फिर से इनिशिएट कर सकते हैं, 6400 का जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको इसमें ब्रीच करा है, तो 6400 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग कॉल रहेगी, 6270 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6460 का। जी पूजा जी थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। अब बात करते हैं कुछ नतीजों की, आज टाटा कंज्यूमर के नतीजे आने वाले हैं निफ्टी कंपनी में और नतीजे कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं अनुमान लेकर, विनी गुड मॉर्निंग, बताइए टाटा कंज्यूमर्स के नतीजों से क्या अनुमान है? बिल्कुल, तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन है ये टाइम अच्छी एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, 17% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट्स में स्लाइट बिट ऑफ अ डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 6% की डिक्लाइन प्रॉफिट में है, पर मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 15.1% इबिटा मार्जिन है वर्सेज 14.6% की जो लास्ट ईयर का मार्जिन था, सो वहाँ से थोड़ी एक्सपेंशन तो एक्सपेक्टेड है। नाउ नरिशको की बात करें, टाटा संपन्न का पोर्टफोलियो बात करें या सोलफुल, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड इंडिया बेवरेज बिजनेस, ना काफी गर्मी थी ये टाइम तो आउट ऑफ होम कंजम्पशन की वजह से, हाई हीट वेव्स की वजह से उनका जो इंडिया बेवरेज बिजनेस है वहां पे मे भी थोड़ी सी म्यूटेड ग्रोथ दिख सकती है और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम म्यूटेड ही रहेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल टी बिजनेस है, वहां पे कि थोड़ा सॉफ्टनेस दिखेगी ये टाइम लाइक टू लाइक बेसिस पे ग्रोथ पे, और ओवरऑल इबिटा मार्जिन की जो एक्सपेक्टेशन है अपटिक जो एक्सपेक्टेड है ये टाइम, नॉन ब्रांडेड बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा करने वाला है इसकी वजह से मार्जिन की थोड़ी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। लेट्स वॉच आउट और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, एक तो कैपिटल फूड और जो एक्विजिशन हुआ था ऑर्गेनिक इंडिया का, तो वहाँ पर अब वो नंबर्स आते जाएंगे और कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे, तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ क्या था, वहाँ पे कितनी ग्रोथ दिख रही है, क्या ट्रैक्शन दिख रहा है इन दोनों एक्विजिशंस के बाद, ओवरऑल कमेंट्री क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्जिन्स भी आउटलुक क्या है और मार्केट शेयर क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स की ये एक्सपेक्टेशन है।
ओके, थैंक यू विनी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर्स के नतीजे थोड़े मिले जुले रह सकते हैं, मार्जिन के फ्रंट पर तो नंबर्स काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुनाफे में थोड़ा दबाव आ सकता है। आय में 17% की ग्रोथ की उम्मीद है, कामकाजी मुनाफा 21% बढ़ सकता है कंपनी का, और मार्जिन देखेंगे तो 14.6% से बढ़कर 15% के आसपास के मार्जिन के फिगर्स आ सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ म्यूटेड रहेगी, तो ये कुछ अनुमान है टाटा कंज्यूमर से। अब देखना होगा वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिले।